ये है स्टोरियस और आज हम आपको बताएंगे निकोला टेस्ला के मेथड 369 के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि निकोला टेस्ला कौन थे और मॉडर्न वर्ल्ड में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। निकोला टेस्ला बहुत इनक्रेडिबल इन्वेंटर थे। उनका जन्म हुआ था 10 जुलाई 1856 में। उनका बर्थ उस सुबह एक भयंकर बिजली के तूफान के दौरान हुआ था। उनकी फैमिली ने ही बताया कि जन्म के टाइम में औरत ने बिजली गिरने को एक बुरा शगुन बताया कि ये बच्चा तो डार्कनेस का बच्चा होगा और वो रोने लगी। टेस्ला की माँ ने तुरंत कहा, नहीं, वो लाइट का बच्चा होगा। टेस्ला के फादर चाहते थे कि पेशे से वो प्रीस्ट बने, जबकि उनको फिजिक्स और कैलकुलस पसंद थी। निकोला टेस्ला को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में उनके इनक्रेडिबल वर्क और मॉडर्न वर्ल्ड के डेवलपमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं जिस टीवी रिमोट से आप दूर बैठकर अपने टीवी के चैनल्स को चेंज कर सकते हैं, वो टीवी रिमोट भी निकोला टेस्ला ने ही बनाया था। टेस्ला ने आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। उनके इन्वेंशंस हर जगह हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल, नियॉन और फ्लोरोसेंट लाइट जिन्हें आप एरोप्लेन में भी देख सकते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लेजर बीम, एक्सरे, रोबोटिक्स और जाहिर है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी करंट जो हमारे प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का बेस है। टेस्ला की रिसर्च का वो एरिया जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं वो है उनका कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के लिए पागलपन। टेस्ला को स्पेशली नंबर्स 3, 6 और 9 से बहुत अटैचमेंट था, जिसके बारे में उनका मानना था कि यूनिवर्स के सीक्रेट्स को खोलने की यही नंबर्स हैं। टेस्ला का 3, 6 और 9 के लिए ऑब्सेशन उनकी डेली लाइफ में भी देखा जाता था। बिल्डिंग में एंट्री करने से पहले 3 बार उस ब्लॉक के चारों ओर घूमना, फिर अगर वो होटल में कोई कमरा लेते थे तो कमरा नंबर 3 से डिवाइड जरूर होना चाहिए, तभी वो उस कमरे को सिलेक्ट करते थे। हमेशा 18 नैपकिन से वो अपने बर्तनों को साफ करते थे। 18 3 6 और 9 से डिवाइड हो सकता है। उनकी लाइफ की हर चीज किसी न किसी तरह से 3, 6, 9 से रिलेटेड होती थी। निकोला टेस्ला लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बिलीव करते थे। उनका कहना था कि इन नंबर्स ने यूनिवर्स के हर डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हर नंबर कुछ ना कुछ शो करता है। 3 यूनिवर्स से हमारे कनेक्शन और हमारी क्रिएटिविटी का सिंबल है। 6 इंटरनल पावर और हार्मनी का सिंबल है। 9 इंटरनल रिकार्नेशन का सिंबल है। इंटरनल रिकार्नेशन से मतलब है कि हमारे अंदर जो चीज अब काम की नहीं है उसे छोड़ देना और खुद को अपग्रेड करना। टेस्ला का 369 का प्रिंसिपल किसी भी नंबर को उसके अलग अलग अंकों को जोड़कर एक अंक में बदलने के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, 369 घटकर 9 हो जाता है। 3 + 6 + 9 = 18। उसमें से 1 + 8 = 9। जैसा कि टेस्ला ने कहा कि यूनिवर्स की 369 है, तो आप इन नंबर्स को अलग अलग रिलीजन्स में भी देख सकते हैं। जैसे हिंदुइज्म में 3 मेन डाइटीज को माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके साथ 3 पावर्स, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। ग्रीक माइथोलॉजी में भी 3 मेन गॉड हैं, ज्यूस, पोसाइडन, हेड्स। ऐसे ही हमारा जो टाइम है उसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर 3 टाइम्स में डिवाइड किया गया है। आपको इस तरह के रिपीटेशन अलग अलग कल्चर्स में देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों नंबर्स में से 9 नंबर की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। निकोला टेस्ला इन नंबर्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। उनका मानना था कि ये नंबर कोई मैजिकल नंबर है। आगे हम आपको 369 मैजिकल मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताएंगे। अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं तो आपने 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जरूर सुना होगा। 369 मैजिकल नंबर्स का कनेक्शन निकोला टेस्ला से जोड़ा जाता है। 369 टेक्निक के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए उसके बारे में एक क्लियर विजन होना चाहिए। सेकंड है पॉजिटिव अफर्मेशंस, थर्ड रिपीटेशन और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉ ऑफ द अट्रैक्शन। 369 टेक्निक को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपका बी क्लियर होना बहुत जरूरी है।
आपको अपने गोल को समझना आना चाहिए। जब आप अपने गोल को या अपने अफर्मेशंस को लिखें तब उसे विजुलाइज करें, और विजुलाइज एक मूवमेंट वीडियो की तरह होना चाहिए। कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस इसके लिए बहुत जरूरी है। आपको लगातार इस पर काम करना है, पॉजिटिव रहना है और प्रोसेस में बिलीव करना है। 369 मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आपको एक रेड कलर या पर्पल कलर की डायरी में सुबह 3 बार अपनी कोई डिजायर लिखनी है, आफ्टरनून 6 टाइम और रात को 9 टाइम्स सेम डिजायर आपको लिखनी है। ऐसा आपको हर दिन रिपीट करना है और इस तरह से आप अपनी डिजायर को पा सकते हैं। ऐसा इस टेक्निक के यूजर्स का मानना है। 1943 में टेस्ला की डेथ के बाद फैमिली मेंबर्स ने ये देखा कि टेस्ला के बहुत सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स गायब थे। बाद में पता चला कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने टेस्ला के काम के डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया था। 1952 में टेस्ला के डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी को पब्लिक किया गया और वो सारे डॉक्यूमेंट्स बेलग्रेड यूगोस्लाविया को वापस कर दिया, जहां पर उनके रेस्पेक्ट में एक म्यूजियम बनाया गया। सवाल ये है कि निकोला टेस्ला 369 नंबर पर इतना बिलीव क्यों करते थे? निकोला टेस्ला इन नंबर्स को लेकर इतने सीरियस क्यों थे? इन नंबर्स में कौन सी मैजिकल पावर्स थी? आइए 369 प्रोसेस कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 369 मेथड को डिकोड करने से पहले सबसे पहले सीक्रेट कोड 369 को देखें। अब आइए जानते हैं कि 369 को मैजिकल नंबर्स कैसे कहा जाता है। हम इस मिथ में जीते हैं कि पृथ्वी पर 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बस 2 एनर्जीज हैं, पॉजिटिव और साथ ही नेगेटिव। पर सच तो ये है कि सब कुछ 3 के पेयर में काम करता है। एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एज ए नंबर 3 और साउथ पोल एज ए नंबर 6, और मैग्नेट के बीच या एक्सिस ऑफ मैग्नेट नंबर 9 को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए एक मैग्नेट काम करता है। क्या आप जानते हैं कि नंबर 9 एक्सिस ऑफ यूनिवर्स है? ऐसे ही एटम के 3 पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आपको लिखने के साथ साथ विजुअलाइजेशन, कंसिस्टेंसी और बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हैं तभी वो आपकी लाइफ में आएगी। टेस्ला वाकई बहुत कुछ जानते थे और वही बहुत कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज उनसे जानना चाहती थी, लेकिन टेस्ला ने कहा कि कोई भी उनकी नॉलेज को चुरा नहीं सकता, क्योंकि उनकी सारी नॉलेज उनके दिमाग के अंदर थी। 1937 में 81 साल के निकोला टेस्ला अपने होटल से बाहर निकले। वो चर्च और लाइब्रेरी में जाने के लिए होटल न्यूयॉर्क से चले थे। होटल से कुछ ब्लॉक सड़क पार करते टाइम टेस्ला को एक चलती हुई टैक्सी ने टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में उनकी बैक में सीरियस इंजरी हुई, उनकी 3 पसलियां टूट गई। उनकी इंजरीज की पूरी सीरियसनेस कभी पता नहीं चली, उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करने से ही मना कर दिया। ये उनकी हैबिट थी और इसी वजह से वो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। 7 जनवरी 1943 को 86 साल के टेस्ला की डेथ होटल न्यूयॉर्क के कमरा नंबर 3327 में हुई। ये कमरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता था। उनकी डेड बॉडी नौकरानी एलिस मोनाघन ने देखी। टेस्ला के रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन भी लगा हुआ था। डॉक्टर्स ने बताया कि निकोला की डेथ एक तरह के हार्ट अटैक, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से हुई है। निकोला की डेथ के साथ अनगिनत सीक्रेट्स उनके साथ ही चले गए। सीक्रेट नंबर 369 के बारे में निकोला टेस्ला और भी बहुत कुछ बताना चाहते थे। तो ये वीडियो थी मैजिकल नंबर 369 के बारे में, जिसे अक्सर मैनिफेस्टेशन ट्रिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपने स्टोरियोस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे नए चैनल स्टोरियस शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।